नमस्कार, अंबे भारती में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन लोग एआई पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं, आज हमारे जीवन के कितने पहलुओं में रच बस गया है। आज हम उस डिजिटल युग की चर्चा करेंगे जहां मशीनें न केवल हमारे साथी बन चुकी हैं, बल्कि कई बार हमारे गाइड भी बन जाती हैं। ओपनएआई की चर्चित तकनीक चैटजीपीटी को देखें तो यह न सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देती है, बल्कि यह ऐसा करते समय हमें लगता है मानो हम किसी इंसान से ही बात कर रहे हों। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी सुविधाएं एआई ने हमें दी हैं, उतनी ही चिंताएं भी जन्मी हैं? कुछ ऐसे खतरे हैं जो एआई की गोद में पल रहे हैं। जी हाँ, ये खतरे ऐसे हैं जो हमारे जीने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ आए इस नवीन युग में हर इंटरनेट यूजर के मन में एक डर बैठा है कि कहीं एआई उनकी नौकरी न छीन ले, और इसी के साथ एक डर यह भी है कि एआई गलत जानकारियों को फैलाने का एक जरिया भी बन सकता है, फिर चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर साइबर अपराधियों के हाथों। कई मामले सामने आए हैं जहां एआई का इस्तेमाल गलत सूचनाओं को फैलाने और साइबर अपराधों में किया गया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके द्वारा एआई ने हमारी जिंदगियों पर प्रभाव डाला है। पहला मुद्दा एआई द्वारा नौकरियों पर प्रभाव का है। इस संदर्भ में हमें यह जांचना होगा कि कैसे एआई स्वचालन के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में नौकरियों को प्रभावित कर रहा है। एआई के कारण जहां कुछ नौकरियां अप्रचलित हो रही हैं, वहीं नए प्रकार के काम के अवसर भी बन रहे हैं। हमें इस बदलाव को समझने और नए कौशल सीखने की आवश्यकता होगी ताकि भविष्य के कार्यबल में बने रह सकें। दूसरे मुद्दे के रूप में डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता है। जैसा कि एआई सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करते हैं, इससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। हमें डेटा सुरक्षा के नए मानकों को विकसित करने और उपभोक्ताओं को उनके डेटा के प्रति अधिक नियंत्रण प्रदान करने की जरूरत है। तीसरे बिंदु में हम एआई के द्वारा जानकारी के मैनिपुलेशन की बात करते हैं। यह विशेष रूप से फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हमें एआई की इस क्षमता को पहचानना होगा और साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं को इस तरह के मैनिपुलेशन से बचाने के लिए उपाय करने होंगे। अंतिम और चौथा मुद्दा एआई के नैतिक और कानूनी पहलुओं से जुड़ा है। यहाँ हमें एआई के निर्माण और उपयोग से जुड़े नैतिक मानदंडों और कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत है, जो कि इसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करे। यह फ्रेमवर्क एआई के सकारात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ दुरुपयोग को रोकने में भी मदद करेगा। तकनीकी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि एआई का और भी विकास होना संभव है, लेकिन एक ऐसी भयानक स्थिति का डर भी है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस स्थिति में एआई इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इंसान उस पर नियंत्रण खो देगा। तो चलिए सोचते हैं हमारे भविष्य में एआई का क्या रोल होगा और इसके साथ जुड़े चुनौतियों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हमने एआई की शानदार संभावनाओं और इसके साथ आने वाली संभावित खतरों का संतुलन प्रस्तुत किया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस पर चर्चा करें, सोचें और समझें कि एआई कैसे हमारे कल को आकार दे रहा है। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।